झूठा संसार है, जिंदगी लाचार है, आओ कृपाल जी तेरी इंतजार है, तेरी इंतजार, तेरी इंतजार। हाँ भाई, गौर ना सुनो, सत्संग सब नु जगह मिल गई है। गुरु अर्जन देव जी का तुहाडे अगे शब्द रखा जाता है, गौर ना सुन वाला है, संतां दा एक एक लफ्ज विच बड़ा कीमती अमुल हुंदा है। कर्म करन दी और या भुगतन दी क्रिया कदे खत्म ना हुंदी, जे ओ दयालु पिता प्रभु साढ़े ते दया ना करदा। जद उसने आपदे बच्चे आत्मा दी भैड़ी दुर्दशा देखी, कर्मा दा बोझा असै सहार दे नूं देखिया, वो सहार ना सकिया, उहदा दिल प्यार विच पगल पिया, उहदे प्यार दा समुंदर ठाठा मार उठिया, वो आपदे बच्चे नूं आजाद करन वास्ते, छडाउण वास्ते, ये साडे कर्मा दी जंजीर नूं कट्टण वास्ते खुद इंसानां दे विच इंसान बन के आया। ऐसे महान संत, महान आत्मा किसे खास फैमिली वास्ते या खास समाज वास्ते या खास किसे मुल्क वास्ते नहीं आउंदे गे। सारे मुल्क उन्हां दे अपने हुंदे है, सारे समाजां नूं अपना समझदे है, सारे मुल्कां नूं अपना घर समझदे है, सब फैमिलियां नूं अपने बच्चियां समान प्यार करदे है। वो लोग बहुत भुलड़ हन जो संतां नूं किसे खास कौम या फिरके दे नाल बन लैंदे हन, कि उन्हां नाल बेइंसाफी करन हुंदी है। वह महात्मा आके सानूं दसदे है कि कुदरत फजूल खर्च नहीं, काल दे मंडलां दा, काल दे राज दा प्रधान कानून कर्म है, जो करदा है उन्हूं अवश्य भुगतना पैंदा है। वो कुदरत जैसे साडे कर्म हुंदे है, ख्वाहिशां हुंदियां उहदे मुताबक सानूं जन्म दे दिंदी है। अगर उत्थे साडियां कोई ख्वाहिशां अधूरियां रह जाण, कर्म अधूरे रह जाण, असीं भोग ना सकीए, उहो जे इक जामा सानूं होर दे दिंदी है। और इत्थों तक कि कर्म करदे करदे आत्मा थले वालियां जूनियां दे विच भेड़ां बकरियां कुकड़ियां दे जामां विच जाके गले भी कटाउंदी है। जदों ऐसी दुर्दशा आत्मा दी देखदा है, सानूं पता ही है कि भुलड़ बच्चा जद गलती ते गलती करदा है, पुलिस पकड़ लैंदी है, हथकड़ियां लग जांदियां हन, फिर भी उहदे पिता नूं ही हमदर्दी हुंदी है, बेशक उहदियां गलतियां ते ना खुश हुंदा है, उह अपील करदा है, छडाउण दा इंतजाम करदा है। इसे तरह जद आत्मा दुखी हो जाती है, पुकारदी है, वो भी ममता का बझिया होया प्रभु इंसानां विच इंसान बन के आउंदा है, वो की अपील करता है, वो प्रभु दे पास अपील करता है कि तू इन्हां आत्मा नूं जो मेरी शरण विच आईयां हन, तू इन्हां नूं बख्श दे, ये भुल गए सन, अगे वास्ते गुनाह नहीं करदे गे, मैं जो कुछ इन्हां नूं दसूंगा, नाम दा रस्ता, तेरे पास पहुंचण दा रस्ता, ये जरूर तेरे पास पहुंचणगे, विश्वास ना पहुंचणगे, हुण इन्हां नूं विश्वास आ गया कि सच्चा पिता तू ही है। स्वामी जी महाराज कहिंदे है, संत रूप होए जग में आया, अपना भेद आप उस गाया, आप ही आके आपदा भेद दसदा है, संतां दा रूप धार के संसार विच आउंदा है। तुलसी साहिब संतां दी दया बयान करते हैं, लेकिन बयान विच नहीं आउंदी, इतना ही कहिंदे है, संत है बड़े दयाल, आप सम मोको की ना। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे है, साध रूप अपना तन तारिया। कबीर साहब कहिंदे है, अग्नि लगी आकाश को चढ़ चढ़ पैण अग्यार, संत न होते जगत में ते जल मरता संसार। हाँ भाई, सोरठ महला पंजवां पन्ना 614 शब्द दी महिमा दे शब्द पन्ना 416। हम संतन की रेन प्यारी
संतन की शरण, हम संतन की ऋण प्यारे, हम संतन की शरण। किन्ना दर्द किन्ना प्यार संतां दा गुरु अर्जन दे दिल विच है। कहिंदे आ कि मैं संतां दी रेण है, मैं संतां दी शरण विच है। संतां दी रेण दी कोई कीमत चुका नहीं सकदा। तुहानू पता ही है कि भाग वाला ही उस रेण दी कदर करदा है, वो धूड़ी दी कदर करदा है, जिहदे उच्चे भाग होण उही इस नूं समझदा है। हिंदुस्तान दे अंदर जनवरी दे महीने दे विच आम हिंदू दरियावां च जाके ठंडे पानी च नहाउंदे है, मुक्ति समझदे है। लेकिन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे है बाहरला कोई भी पानी पापां दी मैल नहीं ला सकदा, बदन दी ला सकदा है। वह कहिंदे अगर पापां दी मैल लाउणी है की करो तुसीं, साध मजन संग साधुआं धूड़ी कर इशनान। आप कहण लगे साधुआं दी संगत दे विच जाओ, उन्हां दी धूड़ी दे विच जाके इशनान करो। जन्म करम मैल उतरा मनते जाए गुमान, थोड़ा जन्मा जन्मात्रा के पैड़े खोटे करम खत्म हो जाएंगे, बाहरली भी धूड़ मिल जाए, साढ़े उच्चे भाग है। लेकिन संतां की मुराद अंदरली धूड़ी तो है। मैं कल सत्संग दस्या कि जब असी दसवें द्वार तो उपर जाने गुरु के चरण प्रगट हो जाते हैं। तुलसी साहब भी कहेंदे अस्तूल सूक्ष्म कारण तिने पड़दे ला के गुरु चरणा तक पहुँचो। उत्थे जो चरण है उन्हां दी धूड़ी अगर सानू मिल जाती है प्राप्त हुंदी है तो कहण लगे साढ़े जन्मा जन्मात्रा दे पैड़े खोटे कर्म कटे जाते हैं। मैं दसदा हुंदा है कि मेरे दयालु गुरु परमात्मा रूप तुरे जाते सीगे, ख्याल आया कि बड़ी धूड़ी की महिमा है, मैं उन्हां दी धूड़ी पैर की चुकण चक ली। क्योंकि संत घाटी इजाजे दिंदे है, क्योंकि लोगों नूं अंदर ले जाना चाहते हैं। वो कहन लगे नहीं भाई ऐसा ना करो, तैनू देख के कोई होर करेगा। मैं दसदा हुंदा है कि जैसी कि मेरा सौला जिहा सुभाव बचपने तो रहा, मैं कविता के रूप में उन्हां नूं बोलिया कि धूड़ी चक के मत्थे नूं लावां। मैं तेरी धूड़ी चक के मत्थे उत्ते लाउणा है, फिर यह भी किया तेरे सजरी पैर दा रेता चक चक लाला हिक नूं प्यारिया, तेरे पंज शब्दां ने मैनू तारिया। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे आ भाग होया गुरु संत मिलाया, प्रभ अविनाशी घर में पाया। आप कहण लगे कि साढ़े भाग जन्मा जन्मात्रा दे उहदे होए, साडा मिलाप गुरु संत दे नाल होया, संतां ने कृपा कीती, जिस परमात्मा दी तलाश बाहर सी उह असीं घर शरीर दे विच पा लिया। हम संतन की रेण प्यारे, हम संतन की शरण, संत हमारी कोट सतानी, संत हमारा गहना। कहन लगे मैं संतां दी रेण है, संतां दी मैनू ओट है, वड्डी ओट है उन्हां दी। और कहण लगे ओही मेरा गहना, क्या कीमती चीज हन रखण वास्ते संभालण वास्ते। तुहानू पता ही है थोड़ी जी कीमती चीज होवे असी उस नूं अच्छी पेटी अंदर संदूक दे अंदर तजौड़ी दे अंदर बंद कर दिंदे हैं कि नाम दी दौलती ऐसी है या गुरु की दौलती ऐसी है जिन्हों असी बाहर फेंकते फिरीए, जिदा असी कदर ना करिए। प्यारे हो जिन्हों कदर हुंदी है वह अंदर दिल दे जगह दे देंदे है, अंदर बैठा देंदे है। कबीर साहब कहिंदे है जब तू आवे आँख में आँख झाम में लूं, ना मैं देखूं और के ना और को ना तुझे देखण दे। संत हमारी कोट सतानी, संत हमारा गहना।
संतन स्यों बन आई पूरब लिखे पाई ये मन तेरा पाई यो मन तेरा पाई। कह लगे साढ़े उच्चे पाग सी साड़ी संतान बन आई पूरे भागां दा ये नतीजा सीगा। असी संतां दे उत्तों अपना वर मन वार दिता कि जिन्हें मन वार दिता उन्हें पिछे की रख्या। थानू पता महाराज सावण सिंह कहिंदे सी औरत मर्द एक दूजे नूं सब कुछ सौंप दिंदे आ लेकिन मन नहीं दिंदे गे। कबीर साहब कहिंदे आ मन दिया कहीं और को तन साधा के संग कहे कबीर कैसे जड़े कोरी गजी रंग। वैसे तो असी साधा के नाल रहने हैं लेकिन मन किसी होरां नूं दिता हुंदा है इसे जे कपड़े उत्ते किस तरह रंग चढ़ सकता है। महाराज सावण सिंह इस तरह सत्संग दे रहे सन। मौज एक प्रेमी तो पुछया जिहड़ा कि मस्त सीगा कि जिसनों शब्द का रस आ जाए वह गुरु उत्तों की वारे। वह कहण लगा जी मन वार दे। इस वास्ते जिन्हें मन वारता उन्हें तन भी वारता उन्हें धन भी वारता। यह मन तेरा पाई यो मन तेरा पाई संतन स्यों मेरी लेवा देवी संतन स्यों कहने लगे संतान ही मेरा लैन देन है जो भी मेरा विहार है वो सारा कुछ संतान दे नाल ही चलता है। लेना की है नाम लेना है देना की है मन नू दे देना है व्यवहार की है उन्हां दा दित्ता होया नाम दा जपना अभ्यास दा करना और सत्संग दे विच जाना अपनियां गलतियां नू छड्डना। गुरु साहिब कहिंदे ओ वपारी तन हां जिन्हां ने जिंदगी दे विच आके ऐसा व्यापार संतां नाल मिलके नाम दा कीता है। संतन स्यों मेरी लेवा देवी संतन स्यों ब्योहारा संतन स्यों हम ला काट्या हर भगत परी पंडा। कहण लगे जद दे सानू संत मिले है जदों दे असी उन्हां दी सोबत दे विच आए हैं सानू लाहा ही लाहा मिलिया है। पहला असी भगती दे धन दे कनियो कंगाल हुंदे सेंगे और साडा दुआला निकलिया होया सीगा। उन्हां ने मेहर कीती असी खजाना भगती दा आपदा भी भर लिया है और कहण लगे इतनी दौलत भगती दी इकट्ठी कर ली है हुण खांदे खर्चदिया टोटी कोई नहीं आउंदी गी। गुरु नानक कहिंदे आ प्यो दादे का खोल डिठा खजाना तो मेरा मन पिया नदाना। तुसी शब्द पढ़दे हुंदे हो नाम दान दी झोली भर के झोली भरन सिखा गया वह झोली भर भी जांदा है अगे वंडन वास्ते भी ला जांदा है। संतन स्यों हम ला काट्या हर भगत परी पंडारा संतन मोको पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का धोखा। जेड़ा मन सानू जन्मा जन्मात्रा विच धोखा दिंदा रहा है सानू प्रभु तो दूर कौन करदा है वह साडा अपना ही मन है। साडा अगर कोई वड्डे तो वड्डा दुश्मन है वो साडा अपना ही मन है। संतां ने सानू ऐसा नाम दा सरमाया ऐसी पूंजी ऐसी मूड़ी दित्ती कि जेड़ा मन धोखा दिंदा सी वह धोखा देने भी हट गया उन्हूं भी शांति आ गई रस आ गया टिक गया है। संतन मोको पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का धोखा कर्म राई अब
ਵੇਖਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮਰਾਜ ਪਾਸ ਉਹ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਨੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਉਹ ਹੀ ਸਾਮੀ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹਨੇ ਕਰਜ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕਰਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਸੰਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਰੇਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਵੀ ਪਿਆਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਜਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਪਏ। ਔਰ ਪ੍ਰਲਭਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦੇ ਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾ ਭੋਗ ਲੈ। ਕਰਨਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਆਪਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੁਲਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਵਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੁਲਕਾ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਚਾਈ ਲਾਡੀ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਤਸੰਗੀ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਆਲੂ ਸੀ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ ਬਈ ਤੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਵਣ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ, ਸਭ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਇਹ ਤੁਖ ਉਸ ਵਕਤ ਬੋਲੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾੜ ਦੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਤੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਦਦਾਰ ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜ ਦੇ। ਤਾਰ ਮਰਾਏ ਅਬ ਕਾ ਕਰੇ ਗੋ, ਜਿਉ ਫਾਟਿਉ ਸਗਲੋ ਲੇਖਾ, ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਪਏ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸੰਤਨ ਕੈ ਪਰਸ਼ਾਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਮਗਰ ਦੌੜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਹਾਂ ਸੁੱਖ ਮਹਾਂ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਪਏ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸੰਤਨ ਕੈ ਪਰਸ਼ਾਦੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਰੰਗ ਰਤੇ ਬਿਸਮਾਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਹਿਰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੰਨ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਚਿਆਈ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਬਤਾਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਿੰਨ ਭੇਸ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਗ ਰਤੇ ਬਿਸਮਾਦੇ, ਬਿਸਮਾਦ ਹੀ ਰੰਗ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸਾ ਅਚਰਜ ਰੰਗ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਰੂਪ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਾਓ, ਸੰਤ ਕੀ ਗੈਲ ਨਾ ਛੋੜੀ, ਮਾਰਗ ਲੱਗਿਆ ਜਾਓ, ਏਕਤ ਹੀ ਪਨੀਤ ਹੋਏ, ਭੇੜਤ ਜਪਿਆ ਨਾਉ। ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਪਏ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸੰਤਨ ਕੈ ਪਰਸ਼ਾਦੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਰੰਗ ਰਤੇ ਬਿਸਮਾਦੇ। ਹਾਂ,